अगर आपके घर पे कोई पुराना वाईफाई राउटर है तो उसी को आप एज ए वाईफाई रेंज एक्सटेंडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी रेंज एक्सटेंडर अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है गाइज। मैं यहाँ पे वायर्ड एंड वायरलेस दोनों कनेक्शन की प्रोसेस बताने वाला हूँ और ये जियो, एयरटेल या फिर कोई भी लोकल ब्रॉडबैंड कनेक्शन पे एप्लीकेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक है आपका जो नया राउटर है वो सेकेंडरी राउटर की तरह हम यहाँ पे अपना पुराना राउटर यूज़ करने वाले हैं, और तीसरा ये कैट 6 केबल। मैं यहाँ पे कैट 6 केबल ही सजेस्ट करूँगा ताकि आप लोगों को स्पीड अच्छे से मिल सके। कैट 5 या फिर कैट 5E केबल यहाँ पे हम लोगों को मोर देन 100 एमबी स्पीड नहीं प्रोवाइड करता, ठीक है। और गूगल यहाँ पे हम लोगों को कहता है कि कैट 6 केबल को हम लोग मोर देन 100 मीटर्स तक एक्सटेंड नहीं कर सकते। सो कैट 6 केबल की जो लॉन्गेस्ट लेंथ है वो 100 मीटर्स तक है। तो अगर आपने कैट 6 केबल को मोर देन 100 मीटर्स से भी ज़्यादा एक्सटेंड किया है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में आइडिया लग जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे हार्डवेयर कनेक्शन कुछ इस तरीके का होने वाला है कि आपका जो प्राइमरी राउटर है उस पर आप लोगों को अपने ISP की तरफ से जो नेटवर्क केबल, जो RJ45 नेटवर्क केबल मिल गया है, उसको अपने प्राइमरी राउटर के वैन पोर्ट में डाल देना है, ठीक है। दोस्तों वैन पोर्ट और लैंड पोर्ट में कन्फ्यूज मत होना। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट है ये वैन पोर्ट है और बाकी के ये चार लैंड पोर्ट्स है, ठीक है। तो वैन पोर्ट पे आप लोगों को अपने ISP का जो केबल है RJ45 केबल उसको यहाँ से ऐसे डाल देना है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एंड नाउ द सेकेंड प्रोसेस। तो ये केबल तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, और दूसरे जिस केबल के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था वो ये है। तो इस केबल को आपको सबसे पहले प्राइमरी राउटर की लैन पोर्ट से लेके इस सेकेंडरी राउटर जो आपका पुराना राउटर है उस राउटर के वैन पोर्ट में डाल देना है, ठीक है। तो इनपुट यहाँ पे दोनों ही वैन पोर्ट ही होगा। ये देखिए यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वैन पोर्ट है तो यहाँ पे मैं इसको डाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा हार्डवेयर प्रोसेस कम्प्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे जो नेटवर्क केबल था वो इस प्राइमरी राउटर के वैन पोर्ट में गया, और इस प्राइमरी राउटर के लैन पोर्ट से लेके दूसरा जो पुराना राउटर है उस राउटर के वैन पोर्ट में गया। तो इनपुट यहाँ पे दोनों ही वैन पोर्ट है और आउटपुट बस लैन पोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे हार्डवेयर कनेक्शन देने के बाद दोनों राउटर को ओपन कर लेना, ऑन कर लेना। एंड उसके बाद आपका जो सेकेंडरी राउटर है उसको एक बार रीसेट मार लेना ताकि अच्छे से सेटिंग्स यहाँ पे आप लोग कर पाएँ, क्योंकि पुराना जो सेटिंग्स है उस पर अगर आप कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो शायद यहाँ पे कनेक्शन ठीक से ना हो सके, ठीक है। और जो आपका मेन राउटर है IGS उसको आप लोगों ने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक DRX मेरा मेन प्राइमरी नेटवर्क है, मतलब मेरा प्राइमरी राउटर का नेटवर्क है। और यहाँ पे ये देखिए TP-Link CV95A वाला जो नेटवर्क अभी अभी आया है ये मेरा पुराना राउटर है, और पासवर्ड मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रखा है। तो पासवर्ड आप लोग डाल देना और यहाँ पे ये कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे आप लोगों को इंटरनेट आ भी सकता है और ना भी आ सकता है। मेरे केस में यहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेट आ चुके हैं गाइस, कुछ भी यहाँ पे मुझे देने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन अगर ना आए इन केस तो यहाँ पे आप लोगों को चले जाना है 192.168.1.1। तो यहाँ पे मेरा जो C20 राउटर है ये मेरा सेकेंडरी राउटर है, ठीक है। तो ये वाला जो एड्रेस है ये आपके लिए हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको एज ए डायनेमिक यूज़ कर रहा हूँ, DHCP सर्वर बेस्ड है ये, तो इसीलिए इसका जो राउट एड्रेस है वो यहाँ पे 192.168.0.1 से चेंज होके 1.1 हो गया है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को एक बार देख लेना है कि आपके राउटर के पीछे इसका एड्रेस क्या है। बस यहाँ पे आप लोग पहले अगर 0.1 हुआ तो वहाँ पे 1.1 दे देना और आपका काम यहाँ पे 90% तक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो कमेंट करके बता देना, मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा कि क्या होगा, किस राउटर में क्या होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ये मैंने अपना लॉगिन पासवर्ड यहाँ पे दे दिया है। एंड आफ्टर दैट आपको अपने सेटिंग में ये वाला जो क्विक सेटअप है यहाँ पे आपका मेन काम है, ठीक है। नेक्स्ट इसको एज ए हम लोग वायरलेस राउटर यूज़ करने वाले हैं तो वायरलेस राउटर पे ही मैं इसको रखता हूँ। एक्सेस पॉइंट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, इसका एक रीज़न है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। नेक्स्ट, और ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको हम लोग डायनामिक IP के हिसाब से इसको कन्फिगर करेंगे, ना कि स्टैटिक IP। स्टैटिक IP हम लोगों के जो मेन राउटर है उसमें सिर्फ रहेगा, और डायनामिक IP बेस्ड हम लोगों का सेकेंडरी राउटर होगा, ठीक है। तो डायनामिक IP पे हम लोग नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी, सब कुछ यहाँ पे आपका जो भी कुछ आ जाए सब नेक्स्ट कर देना। सिर्फ आपका जो वायरलेस पासवर्ड है
उसको यहाँ पे चेंज कर देना और जो एसएसआईडी नेम है उसको यहाँ पे अपने हिसाब से दे देना, ठीक है। एंड आफ्टर दैट मेरा जो सेटिंग्स है सब कुछ यहाँ पे हो चुका है और बस यहाँ पे इसको सेव कर देना है और आपका जो वायर्ड कनेक्शन है नेटवर्क एक्सचेंज करने की वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद शायद आपका राउटर रिबूट हो सकता है या फिर ना भी हो सकता है। तो इस सेटिंग्स को सेव करने के बाद आपका जो राउटर है वो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे पासवर्ड चेंज करके रखा है। तो पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं कनेक्ट पे क्लिक करके। तो ये थे गाइस स्टेक डीआरएक्स मेरा प्राइमरी नेटवर्क था और टीपी लिंक CV95A मेरा एक्सटेंडेड नेटवर्क है। मैंने यहाँ पे नाम चेंज नहीं किया। तो ये देखिए ये देखिए टीपी लिंक CV95, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक बार स्पीड टेस्ट करके बता देता हूँ कि इसकी स्पीड कैसी रहेगी। ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा एज पर माई एक्सपीरियंस। तो ये थे गाइस यहाँ पे टेक डीआरएक्स मेरा मेन नेटवर्क था और CV95 जो है वो मेरा एक्सटेंडेड नेटवर्क है। सो यहाँ पे मुझे फुल 60 Mbps ही मिल रहा है। मेरा 60 Mbps प्लान है सो उसी हिसाब से मुझे मिल रहा है। यहाँ पे अपलोड स्पीड आप देख सकते हैं फुल 60 और डाउनलोड पे थोड़ा सा बस करना है क्योंकि यहाँ पे टीवी चल रहा है। सो गाइज यहाँ पे सिर्फ एक ही दिक्कत है वो है आईपी कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर आईपी कॉन्फ्लिक्ट से आप लोगों को बचना है तो उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। उसके लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो मैं लाऊंगा बहुत जल्दी। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होने पे ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो वायरलेस कनेक्शन कैसे करना है उसके लिए आपको चला जाना है क्विक सेटअप में आफ्टर कनेक्टिंग टू द एक्सटेंडेड नेटवर्क। इसके बाद नेक्स्ट हो जा भाई, हाँ वायरलेस राउटर इस पे आप लोगों को करना है, सॉरी रेंज एक्सटेंडर पे करना है। और रेंज एक्सटेंडर ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे ना मिले तो वायरलेस रिपीटर मोड ऐसा भी आप लोगों को नाम वहाँ पे दिख सकता है, ठीक है। इस पर कर दीजिए नेक्स्ट। एंड आफ्टर दैट जितने भी एक्टिव वायरलेस कनेक्शंस होंगे सब कुछ ये स्कैन करेगा और आपको यहाँ पे बता देगा कि 2.4 GHz बैंड पे ये कनेक्शन अवेलेबल है और 5 GHz बैंड पे ये कनेक्शन अवेलेबल है अगर आपका राउटर डुअल बैंड राउटर है तो। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ 2.4 GHz यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 2.4 पे टेक डीआरएस को सिलेक्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट और 5 GHz पे भी इसी को। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप अपने हिसाब से SSID वगैरह चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड डाल देना कुछ भी। और यहाँ पे आप लोगों को इसको स्टैटिक पे नहीं देना है, इसको डालना है स्मार्ट आईपी छोड़ो DHCP ऑप्शन है यहाँ पे अगर आ जाए तो DHCP ही सिलेक्ट करना है। बस यहाँ पे आपका काम हो गया, DHCP किया नेक्स्ट। अभी ये राउटर थोड़ा सा रिबूट होने में टाइम लगेगा एंड आफ्टर दैट आपका काम यहाँ पे फुल कम्प्लीट। राउटर रिबूट होने के बाद यहाँ पे आपका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे एक बार डिस्कनेक्ट हो सकता है तो उसके हिसाब से आप लोग इसको एक बार फिर से कनेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं अभी इस पे कनेक्ट हो जाता हूँ अपना जो EXT नेटवर्क है, ये टेक DRX EXT मैंने रिनेम कर दिया था उसको। आफ्टर दैट मुझे यहाँ पे जाना है स्पीड टेस्ट पे एंड गो। ये देखिए अभी मैं EXT पे ही कनेक्टेड हूँ। टेक DRX मेरा मेन नेटवर्क था और EXT मेरा एक्सटेंडेड राउटर नेटवर्क है। ये देखिएगा इस मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट 60 Mbps स्पीड यहाँ पे मिल रहे हैं वायरलेस पे भी। एक्चुअली मेरा जो राउटर है अभी बिल्कुल क्लोज टू माय मेन नेटवर्क है, दैट इज़ व्हाई मुझे यहाँ पे ऐसे स्पीड मिल रहे हैं। तो आपका जो सेकेंडरी राउटर है पुराना राउटर उसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे मिनिमम आपका 60% नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ मिले, अदरवाइज आपको स्पीड्स अच्छे से नहीं मिलेंगे, ओके। तो उस हिसाब से राउटर को प्लेस करना। एंड यहाँ पे ये देखिएगा गाइस बिल्कुल फुल स्पीड है जबकि मैं इसको एज ए वायरलेस नेटवर्क अभी यूज़ कर रहा हूँ। तो यही कुछ था गाइस आज के वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूँ बहुत जल्दी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्ट एंड परचेज स्मार्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम।